खबरां टीवी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ सुखवीर सिंह। प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे पंजाब दी सियासत दे बारे। सब तो पहला गल पंजाब कांग्रेस दी करांगे कि जिहड़े पंजाब कांग्रेस दे अंदर चल रहे काटो कलेश दे दौरान हुण एक बार फिर तो मैराथन मीटिंगां दा दौर जारी हो गया है। अज राहुल गांधी नूं सुनील जाखड़ अते प्रताप सिंह बाजवा मिले। बाहर मीटिंग तो बाहर आने तो बाद उन्होंने वालों की कुछ किया उस दे उपर जिहड़ी गलबात करांगे। तो गलबात लई मेरे नाल मेरे सहयोगी पत्रकार तनवंत सिंह कुमान मौजूद ने। सब तो पहले उन्होंने स्वागत कर लें। तनवंत जी स्वागत है प्रोग्राम। तनवंत जी अज राहुल गांधी के नाल प्रताप सिंह बाजवा तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने मीटिंग की कुछ उत्थे खास रहा? देखो सुखबीर जी, जिहड़ी अज सुनील जाखड़ उन्हां दी मीटिंग हुई है राहुल गांधी दे नाल, मकसद तो यदा भी उही सी जिहड़ियां हुण तक मीटिंगां दा रहा जी कि जिहड़ा पंजाब कांग्रेस का कलेश है उन्हूं खत्म किया जाए ता कि अगे जिहड़ी 2022 दी चोणां दी तैयारी है वह सही तरीके नाल शुरू हो सके जी। पर इहदे विच जिहड़े बचारे जाण वाले मुद्दे सी, सब तो वड्डा मुद्दा तो अज इहते गल हुई है कि जिहड़े दो विधायकां दे मुंडिआं नूं नौकरी दित्ती गई सी जी, इहदे ते प्रताप सिंह बाजवा होरां दा भी प्रतिक्रिया यही सी कि मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हाँ कि नौकरी नहीं देनी चाहिए जी। तो सुनील जाखड़ होना ने भी यह गल कही है। सुनील जाखड़ कहिंदे भी मैं फतेह जंग सिंह बाजवा नूं आप फोन करके यह गल आखी है कि आपां नौकरियां देण वाले हाँ ना कि नौकरियां लैण वाले जी। इस करके उस तों बाद जिहड़ी प्रतिक्रिया देखी गई है कि नौकरियां जिहड़ियां हुण उह रद्द भी कर दित्तियां गईआं ने हाईकमान वल्लों, मतलब कि रद्द हाईकमान वल्लों नहीं कह सकते आपां, तां जिहड़े फतेह जंग सिंह बाजवा ने उन्होंने खुद ही जिहड़ा इस गल दा ऐलान मतलब कि इनकार कर दिता कि उह नौकरी नहीं लैणगे जी। इस तों बाद जिहड़ी गल आउंदी है उस तों बाद राकेश पांडे दी, जिन्हां दे सपुत्तर नूं नौकरी दित्ती गई सी, पर राकेश पांडे ने बेशक हाले तक इस बारे कोई प्रतिक्रिया नहीं दित्ती। उन्होंने यह कहा कि मेरा पार्टी नूं बहुत बहुत धन्नवाद है कि उन्होंने मैनूं इस तरह का मौका दिता, पर उन्होंने नौकरी तो इनकार किया नहीं किया, इहदे बाबत हाले तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई जी। हुण देखिया जांदा उस तों बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे जिहड़ा कि फतेह जंग सॉरी प्रताप बाजवा होरी जिहड़े उन्हां दे विचाले तलखियां सी उन्हां नूं भी घटाउण दी कोशिश कीती गई आ। उन्हां नूं भी कहा गया कि जिहड़ियां तुहाडे विच मनमुटाव ने उन्हां नूं दूर करिया जाऊगा। तां जाखड़ साहब ने कैप्टन दे बाबत इह गल्लां आखियां ने कि कैप्टन साहब नूं किते ना किते जिहड़े सलाहकार ने उह माड़े टक्कर गए ने, जिहड़े लोक गलत सलाहां दे रहे ने, जिस करके जिहड़े कैप्टन साहब ने उन्हां नूं मुद्दिआं तों भड़काया जा रिहा है जी। जेकर इसे तरह वो उन्होंने सलाहकारां दी सलाहां जिहड़े कैप्टन साहब मनदे रहणगे तां किते ना किते जिहड़ा कांग्रेस पार्टी है उहदा पंजाब विच नुकसान हो सकदा है जी। तां इस तरह इस तों बाद जिहड़े जाखड़ साहब ने एक होर गल आखी है, जाखड़ साहब ने कहा कि पंजाब जिहड़ी कांग्रेस है उह एक है, बेशक उहदे विच माड़े मोटे मनमुटाव ने, इह इस तरह दे मनमुटाव चलदे रहणगे, पर जिहड़े इह कोशिश की जाऊगी हाईकमान वालों भी जिहड़े ये मनमुटाव ने इन्हां नूं भी जल्दी ही खत्म करके पंजाब का जिहड़ा एक मजबूत धड़ाया कांग्रेस का वह बनाया जाए। तनवंत जी सुनील जाखड़ जदों मीटिंग तो बाहर आए तो उन्होंने वालों ये गल कही गई कि जिहड़ा पंजाब कांग्रेस अंदर कलेश चल रहा वो एक दिन के एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। थोनों की लगता है कि वाकई एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कलेश खत्म हो सकेगा? देखो सुखबीर जी, ये मैनू नहीं लगता कि यह कलेश इन्नी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर हाँ एक गल हो सकती है कि हाईकमान के हुक्मों मनते हुए दोवें धिर चुप जरूर हो सकती ने कुछ समय लिए, पर जोड़े अंदर उन्होंने मन च जहर घुल रही है हूँ एक दूजे के प्रति, वनू जो खत्म करना बहुत औखा है, क्योंकि पहला यह जंग सी जी ट्विटर से शुरू सी, ट्विटर तो बाद यह बोर्डा आ गई, बोर्डा तो बाद हूँ दोबारा फिर जो मैराथन मीटिंगा चल पी जी, तो कितने ना कि जे गल छोटी होंगी तो वह पहला कीतियां जाने वाली मीटिंगा च नबेड़ी जा सकती सी जी। सो हूँ जिहड़ा पंजाब कांग्रेस का इस टाइम का जिहड़ा मतलब कि स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति दे विच जिहड़े राहुल गांधी होरां नूं जिहड़ी मतलब कि संभाई गई आ हाईकमान दे वल्लों जिहड़ी पंजाब दी बागडोर आ, उहदा भी इही कारण है कि दोवें पार्टियां नूं हाले ठंडा किया जाए, दोवां नूं हाले टका के रख्या जाए जी, क्योंकि जेकर दूजी पार्टी तो किसी नूं भी दूजी पार्टी तो दबाया जाता है तां उह किते ना किते उहनां दी जिहड़ी अपनी एक राजनीतिक पहचान अपनी एक राजनीतिक इमेज बनी हुई है लोकां च, उह खराब हुंदी दिखदी है, जिस करके दोवें धिरां
अपने ते दाबू नहीं दूजे नूं होण दे रही जी। ते लगातार हुण जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों इंटरव्यू दिता गया सी उस इंटरव्यू नूं हाईकमान वल्लों भी परोख्या जा रहा है, उस इंटरव्यू नूं बार बार कोख्या जा रहा है कि उहदे विच जिहड़ियां गल्लां आखियां गईआं ने उह की ने, ते उह नवजोत सिंह सिद्धू दे इंटरव्यूआं नूं देखिया जा रहा है कि हाईकमान बारे उन्होंने की विचार रखे ने, ते जिहड़े पंजाब कांग्रेस बारे उन्होंने की विचार रखे ने। इहदे बाबत नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे नाल हाले मीटिंग नहीं हुई, पर नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने भी जल्दी ही बुलाया जाएगा, जिस करके नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने पहला जिहड़ी बयानबाजी की उहदे विच दस्सिया कि मैं तां हुण तक जिहड़ी पार्टी है पार्टी दे शान लई ही जिहड़ा कुछ कीता उह कीता भी चंगा चंगी शान बणे पार्टी दी, ते मैं हाई कमान नूं अज तक कदे टारगेट नहीं कीता, मेरा विरोध कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, मेरा विरोध तां गलत नीतियां दे नाल है जिहड़ियां गलत नीतियां पंजाब दे विच दो परिवार आपस च रल मिल के बारी बारी चला रहे ने जी। उन्होंने कहा कि जिहड़े एक बेअदबी दा मुद्दा ला लो, चाहे वह पंजाब दे विच ड्रग दा मुद्दा ला लो, चाहे बेरोज़गारी दा, चाहे तुसीं बिजली दा मुद्दा ला लो। हालांकि इन्हां मीटिंगां तों बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज ही जिहड़े झुग्गियां झोपड़ियां वाले ने उन्हां नूं उन्हां दी जिहड़ी जिथे जमीनां ते बैठे ने उन्हां नूं उन्हां दी मलकीयत देण दे भी फैसले लए ने, पर उह मलकीयत देण दे कदों तक मतलब कि इह कार्ज शुरू कीते जाणगे गल अगे देखण वाली होऊगी। अज दे समें जिहड़ी मतलब कि पंजाब कांग्रेस है उहदे हालात इह होए पए ने कि हाईकमान वल्लों हुण कैप्टन साहब नूं 18 जिहड़े उह ਮੁੱਦੇ ਗਿਣਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 18 ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਆ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰਮਾਨ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਕੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਮਾਨ ਕੱਸਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
इस तरह के विहार अपने नाल कर रहे ने जिहड़े उस तो तंग आ सकते हैं जी। तो क्योंकि कैप्टन साहब ने हुण दो बारी लगातार जिहड़ा मीटिंगां तो इनकार करता ला लो या फिर मीटिंगां जिहड़ियां दो बार लगातार हो नहीं सकियां सोनिया गांधी जी दे नाल, तां इत्थों इह गल देखी जा सकदी है कि किते ना किते कैप्टन अमरिंदर सिंह जां तां किनारा कर रहे ने जां फिर जिहड़े हाईकमान है उहदे सामने इस करके नहीं आना चाहते कि वह पहला जिहड़ी अपनी जिहड़ी पक्ष है उहनूं सुधारना चाहते ने अपना पक्ष जिहड़ा वह सही करके जिहड़े वादे कर वादियां दी आपां गल कीती है वी वह एक दो वादे चों लोकां लई ऐलान करके फिर उहनां दे सामने पेश होणगे वी आह देखो वी पंजाब दे लोकां लई मैं आह कुछ कर रिहा जी। तो यह स्थिति देखने वाली उदों होगी जदों इन्हां दी मीटिंग होगी। हाले मीटिंग दे बारे कोई ख्याल नहीं लगाया जा सकता कि मीटिंग होगी कदों जी, क्योंकि मीटिंग तो जदों कल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कमेटी दे नाल रखी गई सी, कमेटी दी मीटिंग तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी बुलाउण दे जिहड़े आसार लगाए ने, पर हाले तक नवजोत सिंह सिद्धू नूं बुलाया नहीं गया। वह बुलाया कदों जांदा है ये सारा हाईकमान के हाथ च है, हुण देखना होगा कि इस तों बाद जिहड़ी गलबात होगी उहदे विच किस तरह जिहड़ी पंजाब कांग्रेस दा उहनूं कलेश नूं खत्म करन दी गल करी जाएगी जां फिर जिहड़ा पंजाब कांग्रेस च नवां हुण जिवें होर कलेश उठते जा रहे ने नवे नवे होर विधायकों के भी आपस च सिंग फसते जा रहे ने तो उन्होंने किवें समाप्त किया जाऊगा तो जिहड़ी चोणां दी तैयारी आ उह किवें ते कदों शुरू होगी। तरवान जी प्रोग्राम दे विच जुड़न लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। तां इह सन मेरे सहयोगी पत्रकार तरवान सिंह घुमाण जिन्हां ने इन्हां खबरां ते अपने विचार दित्ते। फिलहाल दे लई इस प्रोग्राम दे विच इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।